students now we are going to do topic biodiversity and conservation abhi previous humne discussion jo ki thi that was about topics level of biodiversity total number of species on earth patterns of biodiversity is particular session ke andar, i am going to talk about loss of biodiversity and biodiversity conservation तो अब समझने की बात ये है कि जो इतने सारे जो बायोडावर्सिटी है या उसके अंदर जो स्पीशीज़ हैं बेसिकली उनका लॉस हुआ है वो हमें पता चल चुका है कितनी स्पीशीज़ का लॉस हो चुका है या कितनी स्पीशीज़ जो हैं दे आर एंडेंजर्ड अबाउट टू बी लॉस्ट तो ये सब जो हैं इनको अगर हम डिटेल में करें तो आई विल टॉक अबाउट डिफरेंट स्पीशीज़ एक्सटिंक्टेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये हम जानते हैं कि इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं दे हैव रियली रिजल्टेड इन लॉस ऑफ वेरियस स्पीशीज अकॉर्डिंग टू आई सी एन रेड लिस्ट टू थाउजेंड फोर सेवन हंड्रेड एटी फोर लास्ट फाइव हंड्रेड तो जो सात सौ चौरासी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुए हैं इनमें से 338 हंड्रेड वर्टिब्रेट्स रहे 359 फिफ्टी इनवर्टिब्रेट्स हैं और अराउंड 87 जो हैं दे आर प्लांट्स फॉर एग्जांपल डोडो मॉरिशियस में कोगा अफ्रीका थायलाकिन इन ऑस्ट्रेलिया स्टेलसिकाव इन रशिया एंड थ्री सब स्पीशीज ऑफ टाइगर विच आर बाली जावा एंड कैस्पियन दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट देखो अभी आप डोडो देख सकते हो दिस इज क्वागा जिसकी हम बात कर रहे थे हेयर इज बाली टाइगर जावा टाइगर एंड दिस इज कैसपिन टाइगर तो हम देख सकते हैं कि ट्वेंटी सेवन स्पीशीज है लास्ट ट्वेंटी मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्पीशीज है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं 12% of the birds, 23% mammals, 32% amphibians, 31% gymnosperm species face the threat of extinction. The जो भी species कर रहे हैं उनकी ये जो percentage percentage breakup इन्होंने यहाँ पर समझाया है. The current species current species extinction rate is 100 to 1000 times faster than in the pre-human times. तो यही कारण है कि पहले भी हो रहा था लेकिन अभी क्या है Uh, अभी तक जब से अर्थ स्टार्ट हुई है थ्री थाउजेंड बिलियन ईयर्स पहले जब फर्स्ट लाइफ फॉर्म में आई थी तब से लेकर अब तक चार बार जो है मास एक्सटिंक्शन हो चुका है ये फिफ्थ टाइम जो चल रहा है लेकिन ये ज़्यादा क्यों कंसर्न का विषय है क्योंकि इस टाइम जो एक्सटिंक्शन रेट है दैट इज हंड्रेड टू थाउजेंड टाइम्स फास्टर देन इन प्री ह्यूमन टाइम्स इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन द अर्थ माइड बी वाइब्ड आउट विद इन द नेक्स्ट हंड्रेड ईयर्स लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होती है इसकी वजह से प्लांट प्रोडक्शन में डिक्लाइन आ जाता है एनवायरमेंटल पर्टिशंस हो जाते हैं जैसे कि अगर हो रहे हैं तो उनके लिए लोअर रेजिस्टेंस है अगर मान लो कि पेड़ पौधे नहीं है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हम अगर कहते हैं पेड़ पौधे नहीं है तो ऑब्वियसली वहां बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी फिर वाटर यूज में वेरिएशन आ जाएगी पास पेस्ट और डिजीज साइकिल जो हैं उनमें भी वेरिएशन आ जाएगी देन कॉज ऑफ़ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस क्या हैं इनको हम ईविल क्वाट्रेट भी बोलते हैं इविल क्वाट्रेट या बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेज एक ही बात है तो कुछ भी आपसे पूछा जाए तो बेसिकली हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एक कारण हो गया ओवर एक्सप्लॉयटेशन दूसरा हो गया एलियन स्पीशीज इनवेजन्स एंड को एक्सटिंक्शन तो इनको अब वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो पहले की अगर मैं बात करूं तो हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के अंदर ये जो है हैबिटेट लॉस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लॉस फ्रॉम 14 टू 6% 1000 हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट इज बीइंग लॉस्ट विद इन आवर्स तो कुछ ही घंटों में थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है राइट तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है अमेजन रेड फॉरेस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इसको क्या बोलते थे लंग ऑफ द प्लान इसको बोला, अभी भी बोला जाता है तो इट इज कट फॉर कल्टीवेटिंग सोयाबीन्स और फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रास लैंड फॉर कैटल। वेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इन टू फ्रेगमेंट मैमल्स एंड बर्ड रिक्वायरिंग लार्ज टेर एंड सर्टन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑब्वियसली अगर वो कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट हैं उनको काट दिया जाएगा तो वहाँ पर जो कई सारे मैमल्स या बर्ड्स हैं जो इन एरियाज में रहते हैं और जो यहाँ पर माइग्रेशन की वजह से आ पहुँचते थे वो सारे के सारे आर गोइंग टू बी बैडली अफेक्टेड तो इस तरह से जो है पॉपुलेशन का बहुत बड़ा डिक्लाइन हो जाता है Then, हम बात करते हैं ओवर एक्सप्लोर्टेशन की मेनी स्पीशीजर तो इनको, इनको sea cow है, आप देख सकते हो एंड दिस इज दसेंजर पिजन तो इनका जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लोर्टेशन किया गया है तो उसकी वजह से एक्सटिंक्ट होने के चांस रहते हैं देन वी है एलियन आपको पता है जो कोई बाहर से कोई अगर एजेंट अंदर आता है ऑर्गेनिज्म अंदर आता है तो उसको हम एलियन बोलते हैं तो अगर बाहर से कुछ एलियन स्पीशीज को लेकर आया जाए एक लोकल एरिया के अंदर तो उसकी वजह से इंडिजिनस स्पीशीज जो होते हैं या जो लोकल स्पीशीज होते हैं उनका डिक्लाइन या एक्सटेंक्शन होता है फॉर एग्जाम्पल द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया कहाँ पे है लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में तो यहाँ पर जब नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसकी वजह से 200 हंड्रेड मोर देन टू हंड्रेड स्पीशीज ऑफ फिश जो थी उस लेक की वो एक्सटिंक्ट हो गई एक स्पीशीज नाइल पर्च आया है और उसकी वजह से 200 से ज्यादा स्पीशीज सिटली फिश की एक्सटिंक्ट हो जाती है तो ये एलियन इन्वेजन का एक एग्जाम्पल है देन इन्वेजिव वीट स्पीशीज लाइक ग्रास इसको पार्थीनियम कहा जाता है लंताना एंड वाटर हाइसिन हाइसिया जैसे बोलते हैं कॉज डैमेज टू नेटिव स्पीशीज द इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश केरियास एक्वाकल्चर इज पोजिंग थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश इन द रिवर्स अफ्रीकन कैटफिश का जो इंट्रोडक्शन किया है हमारे रिवर्स में उसकी वजह से हमारे जो कैटफिश है उनका भी नुकसान हो रहा है तो ये नाइल पर्च है और इसके इंट्रोडक्शन से हमने बात की थी कि जो सिटली फिश है इनकी 200 से भी ज्यादा स्पीशीज को जो है नुकसान पहुंचा है देन दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिटली फिश नेक्स्ट इज अ स्पीशीज बिकम्स एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट तो ये आपने जब भी फूड वेब या फूड चेंज की बात की है तो हमें पता है कि डिफरेंट लेवल्स पे होता है कोई प्रे है कोई प्रिडेटर है कोई किसी को खा रहा है कोई उसका फूड है और कोई मतलब अलग अलग लेवल्स के ऊपर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो ईट्स who हुम की ये चेंज होती हैं तो अगर बीच में से एक भी लेवल जो है अगर खत्म हो जाएगा तो उसके ऊपर का लेवल जो इन पे डिपेंडेंट था वो भी एक्सटेंड करने लगेगा और फिर कहीं ना कहीं इनके जो नीचे के लेवल के स्पीशीज थे वो भी खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे एक्सटिंक्शन ऑफ द पैरासाइट्स व्हेन होस्ट इज एक्सटिंक इलांट पॉलिनेटर लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ अदर तो ये को एक्सटिंक्शन के अंदर आता है नाउ योडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके रीजंस क्या हैं? वाई डू वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी तो इसमें तीन तरह के रीजन सामने आए हैं नैरोली यूटिलिटेरियन आगोमेंट्स ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट्स एंड एथिकल इशूज तो नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गोमेंट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग ह्यूम डिराइव एकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर सच इज फूड फायरबुड फाइबर कंस्ट्रक्शन मटीरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर टैनिन लुब्रिकेंट्स, डाइज रेजिन्स, परफ्यूम्स ये सब आ जाते हैं एंड मेडिसिन तो मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द ड्रग्स आर थाउजेंड स्पीज प्लांट्स हैल्यूज तो ये सारे रीजन बनते हैं फॉर कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बायोडावर्सिटी जो है ये इको सिस्टम सर्विसेज के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करती है अब अगर हम देखें तो अर्थ का जो टोटल ऑक्सीजन आउटपुट है जितनी भी प्रोडक्शन है विच इज़ अ ऑक्सीजन यू नो इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट ऑफ एयर जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी रहता है तो ये इसका ट्वेंटी परसेंट प्रोडक्शन अमेजोन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वी कैन सी कि बायोडावर्सिटी या प्लांट्स हमें कितने इंपॉर्टेंट हैं पॉलिनेशन थ्रू बीज बम्बल बीज बर्ड्स एंड बार्ड्स इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर ऑन प्लांट्स और एस्थेटिक प्लेजर हम जो डिराइव करते हैं दे आर अगेन अनदर यूटिलिटी क्योंकि आप देखो हमें ब्यूटी वी अराउंड गेट टू सी ब्यूटी अराउंड आस अगर हम बाहर नेचर में निकलते हैं तो वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड uh, कि हमारे लिए कितना हेल्थी प्रैक्टिस है ये क्योंकि वो फ्रेश एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर हेल्थ तो ये सब फैक्टर्स को हम ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट्स के अंदर कंसिडर करते हैं देन थर्ड इज द एथिकल आर्गूमेंट कि क्यों जरूरत है कंजर्व करने की तो उसमें आ जाता है कि एवरी स्पीशीज हैज एन वैल्यू वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेल बींग ये हमारी जरूरत है और साथ ही साथ हमारी मॉरल ड्यूटी भी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा कर रखें अब दो तरह के कंजर्वेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे एक होता है इन सीतु कंजर्वेशन यानी कि ऑन साइट कि जहां पे वो पर्टिकुलर प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको उसी साइट पे प्रोटेक्ट किया जाए और दूसरा है एक्स सीतु कंजर्वेशन दैट मीन्स ऑफ साइट की अगर कोई स्पीशीज अनडेंजर्ड है तो उसको उस पर्टिकुलर जगह से निकाल कर एक स्पेशल एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए उसके लिए ताकि वो वहां पे अच्छे से सर्वाइव कर सके तो कंजर्वेशन ऑन साइट होता है द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सिस विद इन नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स इन विच दे अकर इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क सेंचुरीज बायोस्फेयर रिजर्व Cultural landscapes, natural monuments, etc. India has 14 biosphere reserves, 19 national parks, and 448 wildlife sanctuaries. Please remember and learn all these uh, numbers which are given there. They are important. National park is an area which is strictly reserved for the welfare of wildlife where private ownership, activities like cultivation, grazing, etc., are prohibited. तो जिसका एग्जाम्पल है एराविकुलम नेशनल पार्क ऑफ केरल ये दिखाया गया है यहाँ पर तो वहाँ पे किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी नॉट अलाउड होती है और इसलिए उस एरिया को एज सच प्रिजर्व किया जाता है ताकि वाइल्ड लाइफ जो है वो वहां पर सुरक्षित रह सके सेंचुरी होती है एरिया इन विच प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू द सॉरी ओनली टू द एनिमल्स ऑपरेशन लाइक कलेक्शन ऑफ टिम्बर माइनर फॉरस्ट प्रोडक्ट एंड प्राइवेट ओनरशिप राइट्स इंटरफेयर विद द वेलबींग ऑफ एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल पेरे आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरल तो ये पेरे आर है तो प्लांट्स वगैरह के थोड़ा सा ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड हो जाती है उस लेवल तक कि जहाँ टिम्बर वगैरह का कलेक्शन या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का कलेक्शन अलाउड हो जाता है लेकिन मतलब इतना ही होना चाहिए कि एनिमल्स को किसी भी तरह का नुकसान ना हो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं एरिया ऑफ लैंड और कोस्टल हैं उनको कहा जाता है सिक्रेट फॉरेस्ट और सीक्रेट ग्रूव इज अनदर टर्म ये देखो जो सीक्रेट फॉरेस्ट ग्रूव होते हैं फॉरेस्ट के अंदर ही एक ऐसा एरिया होता है जो वहां के लोग उसे पूछते हैं उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं तो ट्राइबल कम्युनिटी स्पेशली उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करती है सेक्रेट ग्रुप्स इन खा, खासी एंड जैंथिया विलेजेस इन मेघालय अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश ये सारे के सारे सेक्रेट ग्रुप्स में आते हैं तो आपने ये जो है बहुत ध्यान से करना है बिकॉज सेक्रेट ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है तो अब हम बात करेंगे एक्सिटू कंजर्वेशन की यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी जो हैबिटेट है जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उससे बाहर ले जाकर उसको कंजर्व किया जाए उसके प्रोटेक्ट किया जाए उसकी रेयरिंग की जाए तो वो एक्सी टू कंजर्वेशन में आता है फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स जोलॉजिकल पार्क बोटानिकल गार्डन जीन बैंक वगैरह ये सारे के सारे इसी के अंडर आएंगे तो आप देख सकते हो कि जैसे कि जोलॉजिकल पार्क्स में दिखाया है कि बेसिकली उनका जो भी आ, एनिमल्स हैं उनको रखा जाएगा और जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं उनके अंदर प्लांट की स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है और फिर हमारे आ जाते हैं जीन बैंक जहाँ पे गेमीट्स को लाकर कर अलग कर कर जो भी ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है ताकि फिर लेटरऑन उनको दोबारा से यूज़ किया जा सके फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लाट्स एंड ऑफ स्प्रिंग्स तो इसमें आप ये देख सकते हो हॉटस्पॉट्स जो रहते हैं आर द रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटन रिजर्वर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन अर्थ तो जहां पर भी सबसे ज्यादा इंडेंजर स्पीशीज हैं या जहां सबसे ज्यादा खतरा है स्पीशीज को उनको हॉटस्पॉट कहते हैं देर आर थर्टी फोर हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड थ्री हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट श्रीलंका इंडो वर्मा एंड हिमालय कवर इंडियाज बायोडाइवर्सिटी रीजन वेस्टर्न घाट आ गए ये देखो आप देख सकते हो हिमालय है तो अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए तो जो अर्थ हमें टेक कंडक्ट किया गया था रियोडिजिनियो में नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी टू में उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे उन ऑब्जेक्टिव में था कि बायोडावर्सिटी की कंजर्वेशन कैसे की जाए या फिर सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे हो ट मीन्स कि किस तरह से करंटली बायोडावर्सिटी के रिसोर्सिस को यूज किया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको बचाया जा सके उनको कंजर्व किया जा सके और जेनेटिक रिसोर्सिस की यूटिलाइजेशन किस ढंग से होनी चाहिए ताकि उसके बेनिफिट्स अक्रॉस द नेशंस जो है शेयर किए जा सकें तो ये एक पिक है जो कि अर्थ समिट की शेयर हुई है यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट uh, uh, 2002 में इन जो साउथ अफ्रीका जहां पर 190 कंट्रीज ने ये प्लेज किया कि वो करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिड्यूस करेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट इट थैंक यू सो मच